हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिपब्लिका श्रीधम यूट्यूब चैनल। आई एम आनंद श्रीधम। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर। जो लोग बिहार में टीचर बनना चाह रहे हैं, उनके लिए एक बहुत ही अच्छी बात है कि अब पटना हाई कोर्ट के एक निर्देश के अनुसार, जो कि कल यानी बुधवार को पटना हाईकोर्ट ने एक निर्देश दिया है गवर्नमेंट को, बिहार गवर्नमेंट को, कि आप बीएड और डीएलएड वाले को समान रूप से आप वैल्यू दें और उनकी एक समान लिस्ट बनावे। ठीक है, तो पहले जो गवर्नमेंट, बिहार गवर्नमेंट इस बात पर उतारू थी कि डीएलएड वालों को प्राथमिकता दी जाएगी और डीएलएड वालों से जब सीट बचेगा तो बीएड वालों की बहाली होगी, प्राथमिक शिक्षकों की बहाली में उनको मौका दिया जाएगा, तो इस बात को हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। ठीक है, और निर्देश दिया है कि दोनों को समान महत्व दिया जाए, समान वैल्यू दिया जाए और उसकी एक समान लिस्ट बनाई जाए। ठीक है, तो इस संदर्भ में जो गवर्नमेंट ने, बिहार गवर्नमेंट ने दिशा निर्देश जारी किया था, उसके अगेंस्ट में एक अपील दायर किया गया था अनिल हरिराम, एक कैंडिडेट हैं उनके द्वारा, और इस पर पटना हाई कोर्ट के न्यायाधीश डॉक्टर अनिल कुमार उपाध्याय की एकल पीठ ने निर्देश दिया कि इस प्रकार का भेदभाव सही नहीं है, यह जो एनसीटी है उसके दिशा निर्देश के विरुद्ध है। ठीक है, एक एनसीटी ने कहीं भी यह नहीं कहा है कि प्राथमिक शिक्षकों की बहाली में क्या है, डीएलएड वालों को प्राथमिकता दी जाएगी, इसमें प्राथमिकता शब्द नहीं है कहीं भी। ठीक है, तो दोनों को आप समान महत्व दीजिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बातें हैं कि इस प्रकार का दिशा निर्देश एनसीटीई को देना है तो बिहार गवर्नमेंट अपनी ओर से दिशा निर्देश क्यों दे रही है, पहली बात, क्योंकि गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को एनसीटीई का को फॉलो करना है, पहली बात है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि जब बहाली की प्रक्रिया आरंभ हो गई, ठीक है, जुलाई से और अभी नवंबर चल रहा है, तो जब एक बार बहाली की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई तो बीच में फिर दिशा निर्देश, एक नया दिशा निर्देश जारी करना या एक प्राथमिकता वाली चीज़ों को सामने लाना, यह भी बिल्कुल ही अव्यवहारिक बातें लगती हैं। तो कई बार तो ऐसा लगता है कि जानबूझ करके सरकार इसको डिले करना चाहती है, चाहे वह मुद्दा इलेक्शन हो या जो भी हो, ठीक है, जानबूझ करके डिले करना चाहती है और उसमें गवर्नमेंट सफल दिख रही है, एक लंबे समय से ये चीज़ें आगे बढ़ रही है। ठीक है, तो इसमें कहीं ना कहीं सरकार की मंशा पर ही एक उंगली उठ रहा है कि सरकार को पता है कि इस प्रकार की चीज़ें, इस प्रकार की हरकतें, कह लूँ कि हरकतें आप करते हैं तो इसके विरुद्ध जो कैंडिडेट हैं, जो उम्मीदवार हैं या जिनका हित प्रभावित होगा, वह कोर्ट में तो जाएंगे ही, तो कोर्ट में जाएंगे, और चूंकि यहाँ पर न्याय का शासन है, तो चूंकि न्याय का शासन है तो न्याय सबको मिलना चाहिए, किसी के प्रति अन्याय नहीं होनी चाहिए, तो इसी दिशा निर्देश, इसी मूलभूत सिद्धांत के तहत कोर्ट ने आदेश दिया है। ठीक है, एक बार चूंकि ये आज का पेपर है दैनिक जागरण, हालांकि इसमें इसमें कुछ फैक्चुअल मिस्टेक भी है। ठीक है, इसमें देखिए कि एक बार तेजी से हम लोग पेपर को देख जाते हैं, आज का यह पेपर है, ठीक है, दैनिक जागरण का, तो इसमें 94,000 से जो नियुक्ति में बीएड वालों को समान मौका दिया जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, तेजी से मैं इसको पढ़ देता हूँ आप लोगों के सामने, एज इट इज जो पेपर में बातें कही गई है इसमें, कि पटना हाईकोर्ट ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा कि प्राइमरी शिक्षकों की बहाली में केवल डीएलएड योग्यता वाले अभ्यर्थियों को ही प्राथमिकता देना उचित नहीं है, इसलिए मेरिट लिस्ट में डीएलएड और बीएड की सूची साथ साथ बनाई जाए। ठीक है, क्लियर है। आगे अदालत ने कहा कि राज्य सरकार का यह फैसला गलत होगा कि शिक्षकों की बहाली में डीएलएड डिग्री धारियों को कमी रहने के बाद ही बीएड
डिग्रीधारियों को मौका दिया जाएगा। ये तो बिल्कुल सरासर गलत है। जिसने बीएड किया है तो उसको आप प्राथमिक टीचर में बहाली से आप क्यों रोकना चाहते हैं या फिर उसको कम प्राथमिकता क्यों देना चाहते हैं? उन्होंने तो और अच्छी बात है कि बीएड किया हुआ है। न्यायाधीश डॉक्टर अनिल कुमार उपाध्याय की एकल पीठ ने हरे राम कुमार एवं अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि शिक्षक बहाली से संबंधित नियम तब जब एनसीटीई बनाती है और एनसीटीई ने कहीं भी अपनी अधिसूचना में प्राथमिकता शब्द का जिक्र नहीं किया है तो बिहार सरकार ने पत्रांक कितना के हिसाब से 17 दिसंबर 1919 में डीलेड अभ्यर्थियों के प्राथमिकता देने की कैसे सोच ली? सरकार ने ऐसा सोच भी कैसे लिया? ठीक है, क्योंकि कहीं भी एनसीटीई ने ऐसा नहीं कहा कि प्राथमिकता डीलेड वालों को दी जाएगी। तो सरकार जानबूझ करके सब हरकतें कर रही हैं। ठीक है, अब सरकार कह रही है कि ठीक है, अब जो भी कोर्ट ने निर्देश दिया है उसको हम सब सम्मान स्वीकार करेंगे। तो फिर आप पहले क्या थे? आपको कानून की जानकारी नहीं है? पहले क्या आपको अवैध तरीके से चीज़ों को आप चला रहे हैं या कानून की जानकारी नहीं है? आपके पास जो ब्यूरोक्रेट्स हैं जो इसके लिए डिप्यूट किया गया है, प्राथमिक शिक्षा के जो निर्देशक हैं, क्या उनको इस बात की जानकारी नहीं है? तो आप जानबूझ करके आप ऐसा कर रहे हैं या बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? भाई डीलेड वालों को भी मौका दीजिए, बीएड वाले को भी मौका दीजिए, मौका आप दोनों को दीजिए। दूसरी बात है कि एक बार जब अधिसूचना जारी हो जाती है तो फिर बीच में एक नया निर्देश कैसे आप जारी कर सकते हैं? बहुत ही सिंपल सा एक नेचुरल न्याय के, प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध यह बातें दिखती है। देखिए कोर्ट ने और क्या कहा कि मालूम हो कि हाल ही में केंद्रीय विद्यालय की प्राथमिक कक्षा की 1 से 5 में शिक्षकों की बहाली में बीएड और डीलेड डिग्रीधारियों को एनसीटी ने एक समान मौका दिया था। बिल्कुल सही है, बहाली में प्राथमिकता शब्द का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है और न ही नियम बदलने की कोई सूचना ही दी गई थी। सुनवाई के दौरान जो वकील हैं गिरी ने कहा कि प्राथमिक, ठीक है, गिरिडीह का प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों के नियोजन के लिए केवल 2 वर्षीय डीलेड पास प्रशिक्षित अभ्यर्थियों शिक्षकों की नियुक्ति की बातें कही गई थी, जबकि विज्ञापन में इस बात की चर्चा नहीं की गई है। न्यायालय ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को अपनी नीति सुधार लाते हुए 7 सितंबर गलत है, पेपर की कटिंग है, जवाब देने को कहा गया है। ठीक है, तो अब क्या है कि दोनों को अब मौका समान रूप से मिलेगा, एक लिस्ट समान लिस्ट जारी होगी और दोनों को बराबर का प्राथमिकता दी जाएगी। तो बहुत ही अच्छी बातें हैं सरकार की, इसमें हार तो होनी ही थी और स्टूडेंट्स का एक जस्टिस की जीत होना बिल्कुल स्वाभाविक ही बातें हैं। तो चलिए अच्छी बातें हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले टाइम में आप लोगों को न्याय मिलेगा, सभी लोगों के पक्ष में बातें होगी। आप टीचर बने और बिहार में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका बच्चों के साथ, उनके भविष्य के साथ आप सुनिश्चित करें, अपने लिए एक सीट आप सुनिश्चित कर पाएँ तो बहुत ही खुशी की बात होगी इस 2020 के लिए। इसी के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। ओके, बाय, टेक केयर।